हेलो पापा, ये देखो आपके कुछ फैंस। हेलो अंकल, अरे हेलो क्या हेलो बात हेलो है यार, बच्चों आप तो हेलो। बड़े फेमस हो गए पापा। सारे मेहनत मैं कर रहा हूँ और आप फेमस होते जा रहे हो। आ बेटा, बाप बाप होता है। तो पापा, आज मैं राउरकेला के वैष्णो देवी मंदिर में माता जी के दर्शन करने आया हूँ। अरे वाह, जय माता दी। और ये जो लड़की आपको दिख रही है ना पापा, सबसे हाँ आगे, हाँ हम सारे थक के चूरमार हो गए पर ये बढ़ते ही जा रही है। बेटा, लगता है वीमेन हॉलिक्स पी के आई है वो। अरे अरे अरे, ये क्या था? ओ ब्लैक वाली, ओए ओए ब्लैक वाली, इधर उधर इधर घूम। पापा कुछ पूछ रहे हैं, बोल। हाँ पापा, बोलिए अरे ना, क्या लड़की, तूने हुआ? अभी गैस छोड़ा? हाँ पापा, निकल गई, मैं अरे क्या बेटा, करूँ? बट ये लड़कियों को शोभा नहीं देती। अरे क्या पापा, आप ही ने तो बोला था लड़का लड़की सब बराबर है आजकल। अरे सागू, आपने सच में गैस हाँ छोड़ तो दिया? क्या, भाभी, हमें किसी भी डिपार्टमेंट में लड़कों से पीछे नहीं रहना है। ओके सागू। अरे तेरे पास एक्स्ट्रा मास्क है क्या? पापा आपको पता है ये जो मंदिर है ना, ये राउरकेला स्टील प्लांट के ठीक ऑपोजिट में दुर्गापुर पर्वत के ऊपर बना है। और इसको जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है ना, उसका रिप्लिका कहा जाता है। सबसे पहले मैं ऊपर पहुंचूंगी। ये ओ गॉड, मैं पूरी थक गई। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर होता तो थोड़ा मेकअप कर लेती, सारा मेकअप उतर गया। अरे बेटा, तेरी बहन तो यहीं से थक के अरे सो गई। पापा, वो बहन नहीं है हमारी, डॉगी है। अरे 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 अरे, फर्क पता नहीं चलता ना। ओ कम ऑन यार, क्या यार तुम लोग, वो वहां पे बैठ गई, तू यहाँ पे लेट गई। दो कदम भी नहीं चला जाता तुम लोगों से, बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है। बेटा मैं लिख के देता हूँ, ये जो लड़की उछल रही है ना, ये ऊपर जाके मुंह के बल गिरेगी। और पापा पता है, आप जब टॉप पे पहुंच जाओगे ना मंदिर के, तो वहां से आपको आधा राउरकेला दिखेगा। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे तो मजा ही आ जाता है। आप मम्मी को लाके यहाँ पे उस टाइम पे बैठ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही मजा आता है। अच्छा बेटा, सिर्फ मम्मी को ही लेके जाना पड़ेगा क्या, किसी और को नहीं? कम ऑन पापा, ये जो लड़की दिख रही है ना पापा, ये दो बार बेहोश होते होते बची। अच्छा बेटा, उसको ग्लूकोज दो, ग्लूकोज। आपको पता है पापा, आपको लगभग 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी माता जी के दर्शन के लिए। फाइनली पापा, मैं आपको एक सबसे बड़ी आकर्षक चीज दिखाने वाला हूं। पापा, माता जी का दर्शन करने के लिए हमें इस गुफा के अंदर से जाना पड़ेगा। आप अंदर के सारे व्यू देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही छोटा रास्ता है। बेटा मुझे तो डर लग रहा है। अरे पापा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सही तरह से यहाँ बना हुआ है। बस अंदर जाते वक्त अपने सर का ध्यान रखें। पापा देख रहे हो, अंदर का इंटीरियर कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है पापा, मैं अभी दर्शन करके बाहर निकलता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा। पापा फाइनली माता जी के दर्शन तो हो गए, अभी हम वैरवनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ ठीक इसके ऊपर ही बना हुआ है। पापा ये देख रहे हो, पूरे इंडिया से सारे लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे डोनेशन दिया है इन सीढ़ियों को बनाने के लिए। हाँ हाँ बेटा, देख देख, मेरा भी नाम होगा, मैंने भी डोनेशन दिया था। अरे पापा, आपका नाम नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है, तेरी माँ को पैसा दिया था मैंने डोनेशन करने के लिए। अरे लगता है पैसा खा गई। अरे बेटा, इसकी हवा अभी तक नहीं निकली। नहीं अंकल, मैं जम के सोई हूँ और टॉयलेट जाके आई हूँ। पापा ये देख रहे हो क्या, ये मजनू अपने लैला का नाम उस दीवार पे लिख रहा है। ए ए ए रुक ए। हाँ बेटा, दीवार गंदा कर रहा है, पकड़ के मार साले को, मार। वेट वेट पापा, यहाँ तो आपका और मम्मी का नाम लिखा है, आप बिना पापा। अरे बेटा, मैं नहीं हूँ। अरे उन लोगों को पकड़। अरे पापा वो निकल गए, खैर छोड़ो। अच्छा पापा पता है, आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ से पूरा टॉप पे जा सकते हो और आ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हैं, रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा सा भी पैर फिसला मतलब आप नीचे धड़म। और एक बार नीचे गिरे ना पापा, तो बचने का कोई चांस नहीं। हाँ क्या बेटा, ठीक है, तेरी मम्मी को लेके जाता मैं। क्या पापा, आप भी।
फाइनली माता जी के दर्शन तो हो गए पापा, बहुत थक गया हूँ। वैसे बाल थोड़े लंबे नहीं लग रहे पापा, काट लूँ क्या? नहीं बेटा रहने दे, माइकल जैक्सन लग रहा है। ओके पापा, तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं ऊपर और फिर निकलते हैं। पापा आपको क्या बताऊं, ये चारों तरफ का वातावरण आपको दिख रहा है, एक अजब सी वाइब्स आती है यहाँ पे। एक तरफ माता जी और दूसरी तरफ इन पहाड़ों की हरी हरी वादियां, एक अलग ही फीलिंग दे रही है पापा। एक बार आप आके देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और माना भी जाता है जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपना कोई मनोकामना यहाँ मांगने आते हैं ना, तो माता जी उनका मनोकामना जरूर पूरी करती है। अरे पापा देखो, आपने जो कहा था वो सच हो गया। अरे बेटा ये लोग बच्चा चोर है, इनसे दूर रहे। थू 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 थू। सो फाइनली पापा नीचे लौटने का टाइम आ गया, बहुत भूख भी लग रही है। नेक्स्ट हम आपको 99 रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। ठीक है बेटा। ओके ध्यान से जा। ए तू सब खा जाएगी तो मैं क्या खाऊंगी, ले मेरा बच्चा खा खा ले खा ले। आ आ पापा ये देखो, एक बेस्ट रेस्टोरेंट पे अभी हम आए हैं, 99। इनका इंटीरियर देख रहे हो पापा, सुनने को मिला है यहाँ के जो खाने हैं ना बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, बहुत टेस्टी भी बन रहे हैं यहाँ पे। इनका मेन्यू भी देख लो, प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल लग रहे हैं मुझे। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये गरीब है क्या? देखो ईंट के ऊपर ही बना दिया अपने बिल्डिंग, प्लास्टर भी नहीं लगा। अरे पापा डिजाइन है। पापा हमने जम के खा लिया पेट भर के, अब हजम भी तो करना मांगता था ना। तो अभी हम आईजी पार्क में आ गए हैं, राउरकेला का फेमस आईजी पार्क। पापा आपको याद है बचपन में आप हमें यहाँ लाया करते थे? हाँ बेटा हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। आज भी वो वैसा का वैसा ही है, देख सकते हो आप। हाँ बेटा, ये जो गेट दिख रहा है ना, तूने यहाँ पे सुसु किया था बेटा। अरे पापा चुप करो बेटा, ये पीपल के पेड़ से दूर रहे, यहाँ पे चुड़ैल रहती है तेरी मौसी। पापा ये देखो नेवला। अरे बेटा वो तो रोज तेरी माँ को देख लेता हूँ मैं घर पे। अरे वाह रेल की पटरियाँ, मतलब नजदीक में कोई स्टेशन होगा। अरे बेटा ये ट्रेन पूना निकलेगी क्या? कुछ भी पापा। पापा पता है लॉकडाउन के बहुत दिन बाद ये आईजी पार्क खुला है, इसीलिए जो पानी है ना बोटिंग जहां पे हो रहा है ये बहुत ही गंदा है सीरियसली, और मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हुआ है। तो मैं तो बोलूंगा जिन लोगों को अभी आना है ना घूमने के लिए, तो ये बोटिंग वाला जो एरिया है ना यहाँ से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बहुत ही गंदा है अभी सिचुएशन। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ नहा लेगी इसमें, चलता है। अरे पापा नहाने की बात नहीं कर रहा मैं, बोटिंग की बात कर रहा। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी पापा। ठीक है अभी जाने का टाइम आ गया, मैं वापस आपको कॉल करता हूँ। ठीक है हाँ, ओके ओके बेटा, चल मिलते हैं फिर। ओके गाइज, आप लोगों को प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और कमेंट जरूर करना गाइस। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय।